love me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब लोग बोलिए जी. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारे. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपा तं हं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. क्लियर है मेरा वॉइस सबको? इसको हाथ पे देने में ज्यादा हरे कृष्ण. तो आप लोगों का विशेष धन्यवाद. आज सैटरडे संडे का दिन सब लोग छुट्टी मनाते हैं वीकेंड, और मेरे ख्याल से आपने आगे के भी दो तीन अपने वीकेंड फिक्स कर दिए. सारी छुट्टियां आपने खराब कर ली अपनी. अभी से विश्वास है आप लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं. आप लोग का एटीट्यूड बहुत ही स्पेशल लगा मुझे. एक तो छुट्टी वाले दिन जिसमें हम एंजॉय कर सकते थे, तब आप लोगों ने सोचा जाके हम सीखते हैं, कुछ सुनते हैं. हो सकता है कि जिस चीज की हम खोज में थे वो यहाँ हमें मिल जाए. एट द सेम टाइम समटाइम आई हैव सीन पीपल कम बट दे कम विद अ चैलेंजिंग एटीट्यूड. पर यहाँ पर एटीट्यूड इतना बढ़िया है कि मैं तो बच्चा हूँ और बच्चे की तरह सीखने आया हूँ. जो सिखाओगे हम सीखेंगे. और डेफिनेटली जो बच्चे हैं अगर उनको समझ में नहीं आएगा गलत लगेगा. तो दिस लास्ट क्वेश्चन अगेन. भले शरीर से हम कितने बड़े हो गए हो, इज द टाइम वी लर्न द रियल साइंस वी आर बच्चा. एंड अनदर इज लाइक शी इज नॉट आइडियल वर्शिपर. Idol worshipper, still she is here. Everyone knows that ISKCON people, they worship Krishna, Radha Krishna Murthy. She knew that Radha Krishna, they are worshipping Radha Krishna, still she is here. क्यों? भाई जिसने कभी जिस राधा कृष्ण मूर्ति की पूजा ही नहीं करी उससे जाके पूछेंगे ये लोग सही कर रहे हैं क्या जो पूजा कर रहे हैं.
ट्रू और फॉल्स। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपना टाइम निकाल करके आए और हमारा ये जो आगे 7 days का सेशन रहने वाले हैं। नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप जो कोर्स में आगे आप देखने वाले सेशन होंगे, आपको नेक्स्ट सेशन होगा डज गॉड एग्जिस्ट, ऐसा कुछ प्रश्न है हम लोगों का। एक्चुअली ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जब हमारे सॉल्व हो जाएंगे तो सच बताएं, खाली ऐसा नहीं कि हम वी विल लर्न समथिंग स्पिरिचुअल या फिर हमें अच्छा फील होगा, सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद हमारे को यह भी पता लग जाए कि वास्तव में हम दुखी हैं या सुखी हैं और सुख और दुख के बीच में क्या लाइन है, क्या बॉर्डर है। देखने में कई सारी चीजें एक जैसी लगती हैं और हमें लगता है कि इंसान में सुख मिलेगा। लेट से कोई व्यक्ति मर्सिडीज कार में बैठा है, बड़ी ही अच्छी कॉजी कॉजी सीट्स हैं उसकी, तो किसी के हिसाब से वो सुखी हो सकता है, किसी के हिसाब से सुखी है, हो सकता है कि जो अंदर बैठा हो वो सुखी ना हो। सही बोला क्या? इट्स रिलेटिव। तो हम जब ये बेसिक क्वेश्चंस हमारे आंसर हो जाएंगे, एक्चुअली वी विल बिकम फियरलेस। आपको अगर ये कैसे हो सकता है, यू विल कम टू नो बाय द एंड ऑफ द सेशंस, ऑल द सेशंस। हम में से भाई थी, कई लोगों ने पढ़ लिए होंगे अब तक क्वेश्चंस, कोई पढ़ सकता हमारे लिए वन बाय वन? फर्स्ट वन इज द सर्च। द सर्च, ओके। डज गॉड एग्जिस्ट? डज गॉड एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन है हम सबका। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हु एम आई। हु एम आई, कहेंगे तो आप उल्लू बना रहे हो, हमारे को पता नहीं हम कौन है। बट नेक्स्ट, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? आप लोग बोलते हैं ना लोग, वो तो अच्छे लोग हैं, उन्होंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों को आपको ऐसा प्रश्न करते हुए मिलेंगे, क्यों करते हैं हमें लगता है। देखो हमने दुनिया में आज तक एक झूठ नहीं बोला, देखो फिर हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है। यही सबसे बड़ा ये स्टार्ट हुआ। इफ गॉड इज वन देन व्हाई सो मेनी रिलीजियंस? सही है, कई लोग बोलते हैं सबका मालिक है। अरे सबका मालिक है तो फिर सबका सबका एक ही रिलेशन होना चाहिए, है ना? सबका एक ही मालिक है तो एक ही, या तो सब अल्लाह अल्लाह करें, सब कृष्णा कृष्णा करें, सब राधा राधा, माता माता, जो भी हो सब एक ही होना चाहिए। ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? हर रिलीजन में कंफ्यूजन है। कई लोग बोलते रहे हिंदू में 33 करोड़ देवी देवता, जिस रिलीजन में हाथ डाल दो वहां पे लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि वहां पे इतना इतनी खिचड़ी, हर जगह खिचड़ी पकी हुई है, इतनी सारी खिचड़ी क्यों, जबकि वो बीमारी में खाई जाती है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर द मॉडर्न एज। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर द मॉडर्न एज, वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग देन यू विल ट्राई टू पार्टिसिपेट, यू विल बिकम, यू विल ट्राई टू बिकम स्पिरिचुअल, स्पिरिट यू वांट टू बी, यू विल बी ट्राइंग टू डू सम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज लाइक
मेडिटेशन, मेडिटेशन इटसेल्फ इज अ हॉट केक. आज के टाइम पे जहाँ जाएंगे मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन. क्या बीमारी है आपको? जस्ट डू मेडिटेशन. सही बोल रहे, सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी. जस्ट डू मेडिटेशन. व्हाई? बिकॉज व्हाइल परफॉर्मिंग मेडिटेशन वी जस्ट गो टू स्लीप. सो वंस ऑल दिस क्वेश्चंस आर आंसर्ड एक्चुअली यू विल बिकम फियरलेस. एंड अब हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन विद दिस सिंपल क्वेश्चन. डू वी हैव सेम गोल्स और डिफरेंट? ओके, रेज योर हैंड. डू वी हैव सेम गोल्स और डिफरेंट? यस, डिफरेंट गोल्स. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट वी हैव अ डिफरेंट गोल्स? I have a question. In what sense? The goal. Goal. Like, what is the goal? Goal means your. What do you think about goal? What is the goal? What is the definition of goal? Maybe the goal is for me is to be happy. For according you to be happy. Okay? According to it, it is different for different people. So for different people, it is different. I think for here, it is just shown that everybody is trying to be in others' shoes. Like everybody is trying to get what others is having, but he's not happy with what he's having. So I think that that's why we all of us are having on the same. So okay, the point is, few of us agree that we have a different goal. Short term goals. And how many of us agree that we have same goal? Same goal, right? देखो लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है. कभी हमारा घर का कोई व्यक्ति अमेरिका जाता है, हम वहाँ सेटल होता है, हम लोग क्या करते हैं? खुशी हो, दुखी होते हैं, खुश होते हैं, दोनों हैं. कभी हम कहते हैं हाय मेरा बेटा अमेरिका चला गया, हाय मेरा. बट जब कोई चला गया देन वी से स्वर्गवासी हो गया. स्वर्ग तो शायद अमेरिका से अच्छी जगह होगी, तो फिर किस बात का दुख. सो ओके, so some of us agree that we have same goals. Please raise your hand. I think we are. It could be both also, because we could be aspiring for the same goal, but we have different ways of approaching. Okay, we will try to understand this. So, like some of you said, we have different goals. किस किस ने कहा था एक बार फिर से? Okay. बुरा मत मानना, थोड़ा पर्सनल चले जाएंगे तो आप उतना ही पर्सनल बताना जितना बताना चाहिए. व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? लाइक देयर आर मेनी, आई विल से नॉट लाइक मेरा नहीं एक गोल है, बहुत ही गोल. लाइक प्रोफेशनली कुछ अलग गोल है, स्पिरिचुअली कुछ अलग गोल है. व्हाट इज द गोल ऑफ योर पर्सनल? जस्ट पर्सनल हो जाओ कि आप एक व्यक्ति हो, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, या आपकी फैमिली लाइफ है, या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है. बट व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? एक यूनानिमस गोल होता है ना व्यक्ति का, मैं ये चाहता हूँ. नहीं मेरे को अगर सब एक तो है मेरे कि इस हफ्ते का ये गोल है, इस महीने का ये गोल है, अगले साल तक का. एक्चुअली आप ये बताओ कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से, क्या चाहते हो? नहीं आप ऑल आई वुड वांट, ऑल आई वुड वांट इज कि इफ आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दिस कंट्री और इन दिस रीजन और इन दिस वर्ल्ड, सो व्हेन आई लीव दिस वर्ल्ड व्हाट मैं मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह आया और कीड़े मकोड़ों की तरह ना निकल जाऊँ. तो मेरे को ये लगता है कि जैसे बहुत ही महात्मा गांधी आए, जहाँ चाणक्य आए, जहाँ कृष्णा आए, जहाँ अर्जुन आए, सो दे केम अप विद विद एंड व्हेन दे लेफ्ट अ वेरी बिग मार्क, सो दैट अदर पीपल हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट. सो आई थिंक एक जो मेरी जर्नी, इट्स लाइक अ रेस जिसमें हम वी आई गिव और माय डॉटर एंड देन दे, सो आई रियली इट्स नॉट लाइक. मुझे लगता है कि व्हाटएवर आई कुड डू फॉर द बेटर ऑफ द ह्यूमन, इफ यू डू समथिंग बेटर फॉर द ह्यूमन रेस, या व्हाट विल यू गेट? नो आई थिंक दैट्स द ओनली एम फॉर द लाइफ. मुझे ये लगता No, मुझे ये लगता दैट्स द दैट शुड बी द ओनली एम फॉर द लाइफ. That should be the aim for life. Yeah. But what will you get by fulfilling this? No, I think that's my duty. That's what my karma is. But what will you get by fulfilling your duty? It has nothing to do with what but I get. But you will get satisfaction. No, it has nothing to do with satisfaction also.
But I think as if I'm someone's son, so my duty is to make sure that my parents are good. If you don't perform your duty, what will happen? Then I'm 7 billion bande. So why do you means you will get some satisfaction? Satisfaction. Then main kam se kam kide makode ki tarah nahi mara. Nahi, I think I'll tell you. I'm a very lazy person. Yeah, we all are. So mere ko ye lagta hai the days when I spend very lazy or something like that. So if I'm getting overweight or if I'm not getting good health or something, that is what I deserve. मेरे को ये पता लग जाता है. On the other hand, मेरे को लगता है, but I have certain goals कि मैं उस तारीख तक कर लूँगा. मेरे को ये भी लगता है. What I really feel is our human consciousness और जो हमारा. So this is called see when you are performing your goals, when you are performing your duties nicely, yeah. You feel good about yeah. it. And when you don't do it properly, yeah. you don't feel good. Yeah. Means you feel satisfied or happy. किसने बोलता डिफरेंट गोल्स यू विल कम टू वन गोल आउट अरे अब क्यों शर्मा रहे हैं ऐसे कुछ नहीं यस No, right now you are different. I said in terms of small goals. Okay. Like you have small goals to achieve and you feel happy. So you said that ultimate goal of your life is to become happy. I think the ultimate goal of my life would be to be at peace with my conscience. And I don't think peace and happiness are certainly the same. They might be the same, they might not be. So I don't know. That is the question I'm asking myself. Okay. Anyone else? So, different goals? So actually I'm confused because when people say have a same goal, so it really question mark me. So I cannot be sure that there is a same goal for everybody. But so what is your goal? So, out of my life, there should be wealth. Happiness. It's a mixture of these two. Why do you want wealth? Make me happy. So try to understand. Almost all of us we have same goals. मैं अपनी duty ठीक से perform करता हूँ, then I feel happy. I want to become doctor, so I can help others, and that makes me happy. Or I want to become doctor so that I can earn money. And that with money I will get so many things and those things will make me happy. In my professional life I want to get promoted. Why? Because that makes me happy. Ultimate goal is happiness. Happy. आप लोग आपको पता लगे जी आपका ये ड्यूटी है आज से आपको यहाँ पे रोज हथौड़े मार की फील डालनी है जिसमें आपके पसीने छूटेंगे सर में दर्द होगा और आपकी सारी पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं सिर्फ हथौड़े मारने हैं And the person जिनको आप सोचते हो person is your father. ये आपकी duty है अपने father की सारी इच्छाओं को पूरा करना वो बोले कि ठोको Will you be happy with it? No. Because we want some happiness. Yes. Death and birth. हाँ? Birth and death. Birth and death. Why? माता जी पहले दिन ही सब कुछ पूछ लो क्या? तुम्हारे सारा चक्कर तो भी शुरू होता है अब तो हम बीच में है ना फिल्म के बीच में पहले नहीं जाना नहीं बीच में बाद में बताएंगे क्योंकि देखो जन्म तो हो गया आपका अब हमारा पॉइंट है कि मरने से पहले क्या बढ़िया काम कर ले नहीं वो तो लाइफ का एक साइकिल हो गया तो अब क्या करना है आप क्या करना है बट मुझे जानना है कि फिर मतलब अब मर जाए तो फिर हमारा जन्म क्यों होगा ये बात ये इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन जब मरना ही था तो जन्म क्यों हुआ भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च जिसका जन्म होता मरता भी है भैया फिर जन्म ही क्यों दिया आपने $100 क्वेश्चन पर थोड़ी देर में आंसर मिलेगा सो अब सेकंड पॉइंट है कि लाइक शी वाज सेइंग पीस
और फिर हम बोलते हैं जो खुशी मिले ना मिले सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए. आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए खुशी विदाउट पीस एंड सेटिस्फेक्शन. हैप्पीनेस विदाउट पीस एंड सेटिस्फेक्शन. कैन यू इमेजिन हैप्पीनेस विदाउट पीस एंड सेटिस्फेक्शन. सोसाइटी डिसाइड करती है ना किसी भी कोई सोसाइटी आपके पास कोई सोसाइटी तो आप हैप्पी हो आपके पास हमें लगता है हमारे पास तो असली उस पॉइंट इज कोई से भी सोसाइटी हो सी प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम. सोसाइटी डिसाइड कर देती है बट एक्चुअली तो किसी को नहीं. आप इंडिविजुअल है आप सोसाइटी को मत सोचिए. नाउ यू आर अ पर्सन यू आर इंडिविजुअल यू आर नॉट अ पर्सन. सो नाउ कैन यू इमेजिन हैप्पीनेस विदाउट पीस एंड सेटिस्फेक्शन. नो नो. सो लाइक अगर देसी भाषा में बोले तो कहेंगे कि हैप्पीनेस मदर है और उसके बच्चे हैं पीस एंड सेटिस्फेक्शन. सो हैप्पीनेस इटसेल्फ इंक्लूड्स पीस एंड सेटिस्फेक्शन. व्हेन यू आर पीसफुल एंड सेटिस्फाइड इट मींस यू आर हैप्पी. कैन आई से टू डिफरेंट वर्ड्स फॉर दिस हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ. व्हाई वेल्थ. हम आपको एक बार स्टोरी सुना दें. आपको एक बार एक व्यक्ति था. ये इस कौन का भक्त नहीं था कहीं आप सोचो इस कौन का था. ये पुरानी स्टोरी है थोड़ी पर था मतलब सेंटली नेचर का था. तो इसको लगा कि मैं क्यों करूं ये सब कुछ संसार में फालतू चीज़ें. भगवान ने मेरे को जीवन दिया उनको प्राप्त करने के लिए. चलो हम हरे कृष्णा दूसरा नाम भगवान का नाम ले रहा था बैठ करके एक कुएं के पास गाँव में खाट लगा के बैठा. वहीं पर जब करता कोई आता था उसको पानी पिला देता था नहीं तो अपना बैठा वहाँ पर आराम से. और खाने पीने में पहले क्या है ना कि अभी लोगों को जिन चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी. पहले सिंपल था खाओ पियो सो और जो आप थोड़ा अपना खेती बाड़ी कर ली. अभी लोगों को मेहनत किसके लिए करनी पड़ती है लोगों को कार के लिए गुड़गांव में फ्लैट खरीदने के लिए इन सब चीज़ों के लिए मेहनत होती है. खाने के लिए मेहनत नहीं करता कोई. जो बोलते ना पापी पेट का सवाल है पापी पेट के लिए कोई किसी को गधा बनने की जरूरत नहीं है. सो खैर अभी ये व्यक्ति जो है शांति से बैठा हुआ जब करता और फिर अपना कुछ खा के रेस्ट कर लेता. तो एक बार एक व्यक्ति आया उसके पास बोला तुम पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते. बोले कि भी काम धंधा क्यों करूँगी क्या लाभ होगा उससे मुझे बता दो थोड़ा. बोले पैसा कमाओगे. बोले पैसा कमा के क्या लाभ होगा. बड़ा घर खरीदना. बड़ा घर खरीद के क्या होगा उसमें अच्छा बेड लगाना. बोला अच्छा होगा उसको वातानुकूलित कर लेना. अच्छा फिर क्या होगा उसमें आराम से सोना. तो बोला अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ. अगर वेल्थ से हैप्पीनेस होती मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास अथाह धन है. अथाह धन ऐसे नहीं बोलूंगा मैं कि उनके पास 500 करोड़ 600 करोड़ है. अथाह थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस उनकी संपत्ति है. टर्नओवर नहीं है उतनी उनके एसेट है विद कैश. और मैंने उनको देखा पागलों की तरह काम करते बिल्कुल डिस्टर्ब हमेशा एजिटेटेड. कनॉट प्लेस में एक व्यक्ति के ऑफिस में मैं जाता था. आई वॉन्ट टेक द नेम. उसका एक चैनल भी चलता है टीवी चैनल चलता है उसका और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है. पर जब उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं डेक्स्टर को देख लिया. हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए पा कहाँ और उसकी उम्र 65 साल हो चुकी है. अब और इसके पास इतना धन है वो मुझे खुद बोला कि मेरे 10-12 पुश्ते भी आएंगे ना खुद ऐसा खत्म नहीं हुआ. क्यों काम कर रहे हो नहीं करने करने. सो वेल्थ खाली पॉइंट इज यू वॉन्ट टू बिकम हैप्पी. अल्टीमेटली यू वॉन्ट आपको धन नहीं चाहिए आपको खुशी चाहिए. सही बोल रहे हैं आप. धन भी तो खुश होने के लिए चाहते हो ना. वेल्थ एंड हैप्पीनेस वेल्थ और सेटिस्फेक्शन डजंट मेक यू हैप्पी. यू डू यू गेट एवरीथिंग यू ट्राई टू अचीव एवरीथिंग फॉर हैप्पीनेस. इवन यू वेल्थ यू वॉन्ट वेल्थ फॉर हैप्पीनेस. आपको लगता नहीं इससे एडिक्शन सी हो जाती है आफ्टर टाइम. किससे? मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड. पॉइंट इज यू आर नॉट सेटिस्फाइड. लाइक व्हाट इज द सेटिस्फेक्शन. एक स्पंज लो आप स्पंज उसको पानी से पूरा भर दो फिर उसके अंदर और पानी घुसा सकते हो. वंस इट इज सैचुरेटेड यू कैन नॉट पोर मोर वाटर इनटू इट. सिमिलरली वंस यू आर सेटिस्फाइड यू आर सैचुरेटेड फिर मोर 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 नहीं चलेगा फिर. सो इफ एडिक्शन हो गई है मोर 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 के लिए देन इट इज इट मींस यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू आर स्टिल नॉट सैचुरेटेड. पता नहीं मतलब क्या सीन है. आप पता नहीं कह रहे हैं बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली. वंस यू आर सेटिस्फाइड यू विल नॉट ट्राई फॉर मोर. बट द थिंग इज नोबडी इज सेटिस्फाइड इन टुडेज वर्ल्ड. बट दैट इज द प्रॉब्लम.
that we are discussing over here. Actually, I think satisfaction we are looking outside, but it is already inside. So all these things will be discussed throughout the session. The problem is no one is satisfied. It therefore no one is happy. आप मेरा एक्सपीरियंस है 2000 लोगों के बीच में पूछते हैं ना, आपको तो कोई हाथ खड़ा करके बोल सकता है जी कोई बीमारी नहीं है, मन में कोई दुख नहीं है, घर में कोई झगड़ा नहीं है, शरीर में आनंद ही आनंद है, हर तरह से खुश हैं। आज तक एक व्यक्ति ने हाथ नहीं खड़ा किया कि हर तरह से सुखी है। नो वन इज सैटिस्फाइड, नो वन इज हैप्पी, बिकॉज सेटिस्फैक्शन एंड पीस आर द चिल्ड्रन ऑफ हैप्पीनेस। और ये मदर अच्छी है, ये अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ करके ऑफिस में जाती है। She takes care of her children very nicely. So let's search for happiness. ठीक है? Algebra. ऊपर लो। Algebra के बारे में जानते हैं आप लोग? Algebra पढ़ा है सबने? तो मैं आपको दोबारा Algebra समझाने की जरूरत नहीं है। अब सीधे Algebra से हम अपने पॉइंट को समझेंगे। What is this? Eating, meeting, sleeping? Oh, eating, sleeping, meeting and struggles is equal to? बता दो, जानवर इसके अलावा और कुछ करते हैं? कोई और प्रोजेक्ट है उनके पास कि चलो हम कुछ प्रवचन सुन के आते हैं? DYPS सेमिनार अटेंड करेंगे? No, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। कभी आपने असेंबली देखी कि बहुत सारे डॉग एक साथ बैठे, एक डॉग ऊपर बैठा? हाँ जी, हम बताएंगे आपको। सो दिस इज एनिमल लाइफ। व्हाट इज ह्यूमन लाइफ? सोफिस्टिकेटेड ईटिंग और गलत बोल रहे हैं इसमें, कुछ गलत तो नहीं आ रहा है क्वेश्चन के ऊपर? ठीक है, true or false? True. Not no. Thinking. This is thinking also. Thinking. चलो हम यहीं पे रोकते हैं। Not only this. Stop it here. Not only this. What are the things which human can do and animals can't? Differentiate right from wrong. जैसे आपने बोला thinking. What else? आप ये सोच लो कि यहाँ पे एक क्या नाम है, वर्चुअल फ्लिप चार्ट है जिसके ऊपर सब लिखा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ थिंकिंग। वी कैन एनालाइज एंड वी कैन टेक डिसीजन। डिसीजन डिसीजन पावर है द बोर्ड एंड फ्लिप चार्ट। अरे लगा दो, लगा दो। व्हाट एल्स? डिसीजन मेकिंग पावर, थिंकिंग, कॉन्शियसनेस। Consciousness, are they not conscious? अरे इधर ही है सबके पास आंसर, इधर तो कोई बोले इनको ही बोलने दो, घर में भी यही बोलते हैं हम। Human can build a community, okay? Communication, they can communicate. They can communicate. What else? तो कुछ नहीं है इधर क्या? So I think they are answering everything. अभी आप थोड़ा विचार करो, अगर जानवर सोच नहीं सकता, बिल्ली क्या करेगी? अगर वो गलती से एक बार गर्म दूध पी लिया, आपको लगता है जिंदगी में दोबारा गर्म दूध पिएगी वो? Without asking, लगता है आपको? आपने जो चीजें बोली हैं, अगर एक-एक को भी लेके चलेंगे, we have examples. I think meditation or connection to God is something that they may. और बीच God ले आए ना, God को बीच में. कर देना. That is all. They can write, they can write, they can speak, they can communicate, they can build the community. आपने कभी देखा है? Difference between good and bad. They can figure out. आप देखोगे एक एंट आ रहा है, आ रही है, आप उसकी उंगली रखो, शी विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड, इट विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि भैया आगे क्या है, डेंजर।
देनो वो वही खाएंगे जो उनको सूट करेगा। आप कभी कुत्ते को देखोगे, डॉग जो है जब उसका डाइजेशन खराब होगा तभी घास खाएगा, बिन मतलब मैं घास खाता नजर नहीं आएगा। सो दे कैन टेक डिसीजन। कह रहा है खुद ही कंप्लीट कर ली। सो वट आर वट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? I think animals make decisions more for survival. Humans are capable of rising above survival. Like what are we doing above survival? Again, God, religion. If we associate, just remove it for yeah. for the time being. Human being has because not everyone is involving God. Humans are. They are regularly accumulating things, accumulating wealth. आपने देखा मधुमक्खी क्या करती है, वो हनी भी। What else? I think a human intellect is far superior than that of animal. Justify it. But then you will give the counter to it. But all the point is, we have to justify it. No, but we are saying, because we are here to learn something. If you have, you are saying that what I've seen is that human has increase their lifespan from 30-40 years to like now 100 years. आप अभी काम करोगे, आप जस्ट स्टडी करो कि गायें पहले कितना जीती थी, अब कितना जीती है, अगर कोई मारे ना तो उसको पहले जितना जीती थी अभी भी जी रही है। बट हमने अपने आप और आप अभी जाके देखोगे, अगर आप 30-40 ईयर सब इंक्रीज बोल रहे हो अभी आज का इस समय भी, आप बताइए वट इज द एवरेज डेथ एज? 62.5 ये एवरेज एज है, आदमी मर जाता है इसमें, एवरेज है कि कोई 70 में मर रहा है तो कोई 50 में भी मर रहा है। और सिर्फ आप प्रोविजन लिए जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनसे पूछ लो कि इनके दादा लोग कितना जीते थे। मेरे दादाजी की मुझे याद है 105 साल से ज़्यादा उम्र हो गई थी उनकी, और इनके दादा तो और भी अच्छे से जीते होंगे, और 105 साल की उम्र में ही वॉज हेल्दी, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे प्रॉपर। एक्चुअली देखा जाए तो हमने कुछ ऐसा कुछ विशेष काम नहीं किया, हमने सिर्फ फर्क हमारे हमने इतना ये किया है दे आर ईटिंग वी आर ईटिंग, बट वो लोग कहीं भी खा सकते हैं, हम प्लेट में खाते हैं। सोफिस्टिकेटेड ईटिंग, सोफिस्टिकेटेड स्लीपिंग, एंड आगे क्या होता है जरा देखो, शेयरिंग नॉलेज, सोफिस्टिकेटेड ईटिंग, और आगे क्या बोल के आ रहे हैं, ह्यूमन लाइफ इज True or false? True. देखो खुद ही बोल रहे हैं आप, ये नहीं कह सकते कि कोई स्पॉन्सर आया और हमारे को बोल गया कि आप हम सबकी हार है, हमारा हार ही है, ये क्या करें? This is the condition right now. Actually, human life is not meant for this, but it is there happening. We are more or less acting like sophisticated and true false. देखिए हमारे शास्त्र इस बात को क्या बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, जो आप बार बार बोल रहे थे बट मेरे पीछे बोलिए इसको, आहार निद्र भय मैथुनम च, आहार निद्र भय मैथुनम च, समाने तत् पशुभिः नराणाम्, समाने तत् पशुभिः नराणाम्, धर्मो हि तेषु अधिको विशेषा, धर्मो हि तेषु अधिको विशेषा, धर्मेण हीनाम् पशुभिः समाना, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। वेरी सिंपल संस्कृत, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा हिंदी से कनेक्ट करेंगे, आहार निद्रा हम समझते हैं ना, नहीं स्कूल ठीक है तो संस्कृत में सबको आहार निद्रा समझते हैं, खाना पीना, भय मतलब प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, स्ट्रगल करना, और मैथुनम यू ऑल अंडरस्टैंड मेटिंग चा, ये क्या है, सामान्य, समान मतलब इक्वल है, किसमें एतर, इसमें पशु भी मतलब पशुओं में और नराना मतलब नरों में मनुष्यों में, सही बोल रहा है, गलत शास्त्र में गलत तो नहीं लिखा है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, धर्मो ही तेषो तेषां, केवल धर्म ही अधिको विशेष, यही विशेष चीज है अधिक मनुष्य के अंदर जो धर्म का पालन कर सकता है। यू वॉन्ट फाइंड अ ग्रुप ऑफ एनिमल सिटिंग एंड अनदर लीडिंग एनिमल इज सिटिंग ऑन द टॉप एंड स्पीकिंग भागवत कथा।
सही बोला गलत या स्पीकिंग फिलोसफी, ऐसा कहीं देखा नहीं जाता, सिर्फ एक जगह देखा जाता है, मोगली में। घर में नहीं ना, पर अगर उसके मनुष्य अगर घर का पालन नहीं करता किसी भी प्रकार से, देन पशु भी समान। अब धर्म क्या है? बस सब लोग सारे प्रश्न पहले थे, हम इसके ऊपर डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द धर्म, व्हाट इज द धर्म, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट धर्म। टू अंडरस्टैंड समथिंग व्हाट इज इट, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, व्हाट इट इज नॉट। ओके, कोई पढ़ सकता है लाउडली इंग्लिश वाला? यस प्लीज। ईटिंग स्लीपिंग सेफ एंड डिफेंस, these four principles are common to both human beings and animals. The distinction between human life and animal life is that a man can search after God but an animal can't. ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आपको, आगे चलिए। Does the below equation hold true? Yeah, indeed. For me, yeah. Somewhat. No. एक बार क्या हुआ? हम हमारे एक मित्र थे, हम उनके घर पर गए, उनकी मदर ने फ्राइड राइस बनाया था, फ्राइड राइस बढ़िया से बनाते हैं, वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। हम चार पांच लोग थे वहाँ पे, और उसकी मदर ने जो बनाया था क्योंकि मेरे फ्रेंड को बहुत पसंद थे, तो हम तीन चार लोग ले रहे थे, तो मेरे साथ में जो बैठा था एक और मित्र, उसकी प्लेट में उसने क्या अचानक नोटिस किया कि स्पाइडर था, मकड़ी। और जैसे उसने बोला अरे ये क्या मैंने खाऊंगा, तो जिसके घर पे हम गए थे रवि के घर पे, उसने क्या देखा कि अरे स्पाइडर है इसके अंदर, और वो देख के उसको, वो अभी इतना उसको पसंद कर रहा था, खाना चाह रहा था, उसने टेस्ट भी किया हुआ कितना बढ़िया है, जैसे उसने स्पाइडर को देखा ही ना वॉमिटिंग कर दिया उसने वहीं पर, खाया नहीं उसने, घृणा हो गई, खा नहीं पाया। और उसने मेरे को बताया कि उसके बाद कम से कम नहीं तो 7-8 महीने तक उसने फ्राइड राइस नहीं खाया। तो भैया पसंद थी वो चीज आपको मिली, फिर क्यों नहीं सेटिस्फाई? मान लीजिए जैसे हम पहले आइडिया दे रहे थे कि कोई बहुत अच्छी गाड़ी में, जो सी गाड़ी आप सबसे अच्छा समझ सकते हैं ना, रोल्स रॉयस में बैठा है कोई व्यक्ति, बहुत कंफर्टेबल है, सुपर कोजी, और बड़े आराम से बैठा है, सीट पे बैठा हुआ है, साथ में उसने अपना एक कप भी रखा हुआ है टी, और फोन पे बात कर रहा है, आराम से चाय पी रहा है, आराम से चल रही है गाड़ी, ड्राइवर चला रहे हैं, ही इज वेरी हैप्पी कि मटेरियल कंफर्ट है ना, नहीं है नहीं तो सड़क के ऊपर लोग गुड़गांव कहने में तो सिंगापुर बन गया, इसकी सड़क पर झटके कितने लगते हैं देखो ना, पर बढ़िया गाड़ी में बैठा है, झटके महसूस नहीं हो रहे हैं, और टेंशन भी है कि सब लोग देख रहे हैं, जहाँ जाएगा वहाँ भी सम्मान मिलेगा, और अचानक उसको फोन आता है आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, खुश रहेगा वो गाड़ी के अंदर कि तो क्या हुआ, मैं तो रोज रोज पे बैठा हूँ। फिजिकल कंफर्ट हैप्पीनेस है क्या? इफ समवन गिव्स यू हैप्पीनेस एज़ वेल, राइट? हां, कहीं पे आपको हैप्पीनेस तो देता ही है, वी कांट इग्नोर इट फॉर यू। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, we have to try, just we, that is what I'm saying, now we are learning but it is not physical comfort happiness. agar hota to himalaya pe baithe hue kai sare sadhu jo 50-50 saal ki zindagi bitate hain wahan par dhyan lagate hue ya meditation karte hue ya koi dusri sadhna karte hue jahan unko khane ko nahi hai peene ko nahi hai barf hai charo taraf wo kab ke niche utar aaye the then getting some kind of happiness over there. बिना हैप्पीनेस के कौन इतना स्ट्रगल करेगा, इतना कौन ऑस्टेरिटी कर सकता है? यू विल फाइंड सम वीडियोस ऑन यूट्यूब, सम सेंट्स आर देयर ऑन अप देयर ऑन द हिल्स एंड व्हाट दे आर डूइंग, कि पानी के अंदर बर्फ है उसको तोड़ते हैं फिर उसके अंदर से नहाते हैं, नहा सकते हो अब आजकल कितने लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, पर वो वहां कर रहे हैं ऐसा। हम लोग बद्रीनाथ में थे, बद्रीनाथ गए हम वैसे कभी कोई? कैसा मौसम होता है वहां पे? वेरी कोल्ड। तो फिर हमने क्या किया कि सरस्वती रिवर देखी होगी आप लोग जो गए होंगे, जहाँ पे ओरिजिन है सरस्वती का, तो वहां हम उतरे नीचे
और जाकर के फटाफट हम पानी में नहाए और बाहर आ गए, तो हमारे साथ जितने लोग गए थे ना, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि ऐसे बर्फ में से निकलते हुए पानी में से कोई नहा सकता है। और वहां पर ऐसे सेम सेम है, तो एक बार किया अंदर जाके बाहर आ गया, वो रोज वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर नहा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और कहीं पर हम ये भी देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डेक्स्टर वाली स्टोरी, क्या मेटेरियल कंफर्ट की कमी है उसके पास। मैं एक और व्यक्ति को जानता हूं, उसके पास हर तरह का मेटेरियल कंफर्ट ही नहीं है, नेम फेम एडोरेशन सब कुछ है, मोर देन 10,000 एम्प्लॉइज है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। और बस छोटे छोटे एरिया में जहां पे लोग उसकी नहीं सुनते, वहां पर जाने से वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि इधर इधर के लोग मेरी नहीं सुनते, दे शुड ऑल्सो बी लिसनिंग टू मी, जैसे आपने बोलते मोर 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 मोर, क्योंकि हमारे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो कितना भी मटेरियल कंफर्ट हो खुशी नहीं देता, बिकॉज इट इज सिंपली अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर गर्मी में यहाँ पे गुड़गांव में अगर एसी ना चले एक दिन भी तो बड़ा, बिकॉज आपने अपने शरीर को वैसे आदत डाली है, कहना चाहता हूँ वहाँ सेंट्स बैठे हैं, उनकी एडेप्टेबिलिटी वैसे। पॉइंट इज फिर इसका मतलब मटेरियल कंफर्ट का हैप्पीनेस से कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट देयर मे बी अ रिवर्स आल्सो, लाइक पीपल हु आर रनिंग दे आर गिविंग अ डिस्कम्फर्ट टू देयर फिजिक्स एंड दे आर हैप्पी, तो ये भी पीपल दे आर डूइंग जिम फॉर आवर। So we have to bit, now try to understand, some people they are giving so much pain to their body, still they are happy, and we are seeking after comfort. Point is, it is a state of mind कि मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी मिल रही है, क्योंकि जब मैं जिम करता हूँ उसके बाद मेरे को जब अपनी मसल दिखाई देती है, भले वो अभी ऐसी है बुढ़ापे में नीचे चली जाएंगी, that's a different thing, पर मेरे को खुशी देती है कि मुझे दिखता है, तो मुझे जब यहाँ पे पैक्स नजर आते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो बड़ी खुशी फील होती है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड कि मुझे ऐसा देखने में या ऐसा सोचने में या ऐसा फील करने में अच्छा लगता है। वी ऑल आर हियर बिकॉज वी डोंट फील कि फिजिकल कंफर्ट गिव्स अस हैप्पीनेस, इट इज बीइंग सैटरडे इन हॉलीडे। हां, यू आर इंटेलिजेंट कि यहां क्या बैठे हैं, तभी तो मैंने आपको शुरुआत में, दैट इज व्हाई इन द बिगिनिंग आई सेड कि आप सबका बड़ा धन्यवाद कि इतने सारे लाखों लोगों में से 25 लाख से ज्यादा लोग गुड़गांव में रह रहे हैं, कितने लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि नहीं अब हम मेटेरियल कंफर्ट के लिए सोचेंगे, अब वी विल सर्च फॉर द रियल हैप्पीनेस। कितने लोगों ने डिसीजन लिया, हैंडफुल ऑफ यू आर हियर, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, सब लोग क्यों नहीं है यहाँ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मे बी आफ्टर सेवन डेज यू विल लर्न समथिंग, यू विल एक्सेप्ट द होल प्रोसेस, यू मे नॉट एक्सेप्ट द होल प्रोसेस बट यू विल अंडरस्टैंड समथिंग, और एटलीस्ट यू विल हैव सम आइडिया कि भैया यहाँ नहीं तो चलो और कहीं ट्राई करें, क्योंकि एक डॉक्टर खराब तो इसका मतलब सारे डॉक्टर खराब नहीं, कुछ तो मिलेगा, हो सकता है यू विल गेट सेटिस्फाइड, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाए, अगर ना हो तो आपका एक आइडिया मिलेगा कि देयर आर पीपल हु कैन गिव सम आंसर, मे बी दे आर नॉट द राइट पीपल, यू हैव टेकन द इंटेलिजेंट डिसीजन। तो अभी हमारा टाइम किसमें बीतता है, किसमें बीतता टाइम, क्वेस्ट फॉर प्लेजर, नो वन कैन से दैट आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी, है ना, कोई कह सकता है ऐसा बात, नो वन। अच्छा जरा ये बताएंगे प्लेजर होता क्या है, इसमें से एब्सेंस ऑफ पेन और फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन, फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन, दिस वी हैव अंडरस्टूड। एक बार मैं फिजियोथेरेपी के लिए गया था, क्योंकि मेरे जो ऊपर अपर बैक में मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस था, तो उसका ट्रीटमेंट लिया था फिजियोथेरेपी, जब फिजियोथेरेपिस्ट थे वो पीछे एक लाइक कुछ जेल लगा करके अल्ट्रासाउंड, वो अल्ट्रासाउंड से कर रहे हैं काफ़ी, जिससे कि अंदर की स्वेलिंग खत्म हो जाए, सो वो कर रहे थे, और दे स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, तो मैं बोला कि अच्छा, बोले कि पर देखो आपको यहाँ सुख मिल तो रहा है, उनका कैसे मिल रहा है, बोले कि जब हम आपको ये अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं और ये थेरेपी दे रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, मगर अकॉर्डिंग टू यू
to become happy, first I have to get pain. Yes, that's possible. It should be absence of pain. Sahi baat hai ki nahi? To become happy, first I need to have some pain. Otherwise, you cannot be happy. आपको कोई पेन ही नहीं है, आपके पीछे वाटर साउंड वाली मशीन घुमाएंगे सुख मिलेगा? आप कहोगे क्यों इरिटेट कर रहे हो? एक बार क्या हुआ, एक शिकारी था, ये शिकारी क्या कर रहा था जंगल में शिकार करने गया, पर उस समय अगर इसके वेपन्स खत्म हो गए और एक शेर इसके पीछे पड़ गया। आप कहेंगे बच्चों की स्टोरी पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। शेर इसके पीछे भागने लगा और ये डर से इतना तेज भागा, वास्तव में शेर ज्यादा तेज भागता है, बट ही हैड द एक्सपीरियंस क्योंकि वो रेगुलरली जंगल में जाना ये सब काम था। भाग रहा भाग रहा भागता भागते आगे जाकर के बहुत ऊंचा पेड़ नजर आया उसको और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सब सुन रहे हैं ध्यान से, ये दरवाजा खुलता बंद होता रहेगा कहीं उसमें कोई शब्द मिस ना हो जाए। तो भागते 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 पेड़ के ऊपर चढ़ गया क्योंकि शेर आसानी से पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा, ऊंचा पेड़ तक चढ़ गया और ऊपर चढ़ते ही भागा वो एक टहनी पे, उसकी टहनी पे जैसे भागा उसका पैर स्लिप हो गया और हाथ से कैसे पकड़ के वो अटक गया और नीचे क्या देखा, कुआं है, नीचे कुआं है और गहरा कुआं डीप। ऊपर उसने क्या देखा कि दो चूहे हैं, एक सफेद चूहा एक काला चूहा, वो टहनी के पास ही कर गए होंगे, उसी टहनी पे कुछ कुछ मीठा मीठा गिर गया था क्योंकि ऊपर हनी था, हनी वहां गिर गया था तो वो उसको चाटने के चक्कर में वो टहनी को ही काटे चले जा रहे हैं। अब तो इसको लगा कि अब तो मेरी मृत्यु आ गई, अब मैं बच ही नहीं सकता, कितना खौफ होगा इस व्यक्ति के। नीचे शेर खड़ा है, उसकी जीभ बाहर निकली हुई है, वो तो सोच रहा है कि ये मेरा डिनर आया मेरे पास। नीचे कुआं भयानक डीप और सूखा, कीला होता एक आदमी तैर जाए अंदर, सूखा नीचे गया तो खत्म। और इधर से जिसके ऊपर वो टंगा हुआ है अपने बचने का प्रयास करे तो वहां पे चूहे उसको काट रहे हैं। कितना पेनफुल सिचुएशन होगा, इसके मेंटल स्टेट सब खत्म हो गया वो। अचानक क्या हुआ, वो ऐसे बिल्कुल हताश हो के किसी तरीके से अपने आप को पकड़ के बैठा था और ऊपर जो वो छत्ता था वहां से एक ड्रॉप हनी गिरा था सीधे जी, फिर एक और फिर एक और, वो अब उसके लिए उसके स्वाद को लेने में लग गया। This is called? Do you think it is happiness? कितनी देर की होगी? So, ये तो स्थिति है। Generally, आज समाज में ये स्थिति है कि forgetfulness, भैया वो बोलते हैं ना ignorance is bliss। कहावत सुनी आपने? अरे पता ही नहीं होगा, कर लो जो पता है। Ignorance is bliss. Forgetfulness. भूल जाना चाहते हैं लोग, क्यों पीते हैं दारू जब दुखी होते हैं? दोनों टाइप के हैं। बता रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस कैसी है। जिस समय दुखी होते हैं तो वो इसलिए पीते हैं कि भूल जाए, भूल जाते हैं वो। पर अगर भूल भी गए दो चार घंटे के लिए फिर क्या होगा, उसके बाद डबल हो जाए। और जब खुश हो जाए तब क्यों पीते हैं? भूले ना। वो सोचते हैं कि ये मल्टीपर्पस है, सारे काम करती है। सो फॉरगेटफुलनेस, ये तो अब आप समझ लेंगे। बस एक मिनट पढ़ेंगे, सबसे पहले कोई पढ़ेगा मान लीजिए से इधर से। यस प्लीज। आउट ऑफ ऑल वी वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, हाउ मच आर वी एबल टू अचीव? हम लोग खुश रहना चाहते हैं, कितना प्राप्त कर लिया हमने जितना हम चाहते थे। नेक्स्ट। Out of what we achieve, how much percentage is of what we actually wanted to achieve? जितना हमें चाहिए था उतना मिल गया। और out of those things we achieve, how many keep giving us lasting happiness, which is our heart deep quest? विचार करो दो मिनट इस पे। मेरे एक मित्र थे, इनका नाम था गौरव। हैं थे नहीं, हैं अभी भी मित्र हैं। और उनके मन में बहुत इच्छा थी
कि मैं शादी करना चाहता हूँ एक ऐसी लड़की से जो एक्सट्रीमली सुंदर हो, रंग भी उसका गोरा हो, बस यही उसकी हार्ट डीप डिजायर है, जबकि वो खुद इतने सुंदर नहीं है। खैर जो भी है, उनकी बहुत इच्छा थी, बहुत समय तक उन्होंने लंबे समय तक मैरिज नहीं करी। फाइनली उनकी मैरिज हुई एक लड़की से, वो लड़की रहने वाली थी पेरिस की, सुंदर भी थी, रंग भी उसका सुंदर फेयर था काफ़ी, बहुत अच्छा उसका, बहुत खुशी हुई कि अब देखो जैसी मैं चाहता था वैसी मेरी मैरिज हो गई। अब क्या होता था कि अगर उसका कोई फ्रेंड भी घर पे आता था तो उसको अपने फ्रेंड के ऊपर डाउट होने लगता था। उसकी पत्नी अगर किसी से पूछा कि पानी चाहिए जी, उसकी पत्नी ने स्पेशली हिंदी सीखी यहाँ पे आकर उसकी मदर से बात करने के लिए, तो तब भी उसको टेंशन हो जाती थी कि उनसे बाइक जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ और इसकी जिस वाइफ है इसके यहाँ पे कट कर दिया। अब इसके मन में वो खुशी नहीं, और फिर उसके बाद डाइवोर्स ले लिया और वो विदेश वापस चली गई। जिस चीज को अचीव भी कर लेते हैं तो किसी ना किसी कारण से मन सेटिस्फाई रह नहीं पाता है। सही बात है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि कारण क्या है इन सब बातों का, क्यों जिन चीजों से हमें खुशी मिलती है टिकती क्यों नहीं हमारे पास। आगे चलते हैं, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि आप गलत जगह पे सुख ढूंढ रहे हो। क्या बोल रहे हैं, दुखाल्यम, सेकंड लाइन देखिए ऊपर क्या लिखी है, दुखाल्यम अशाश्वतम। जो जगह मतलब आल्य समझते हैं किसको बोलते हैं, आल्य किसको बोला जाता है, आल्य घर को, पुस्तक आल्य, विद्यालय, देवालय देव का घर, भोजन आल्य जहाँ पे सिर्फ भोजन ही भोजन होता है। तो वैसे ही इस स्थान का नाम भगवान ने क्या लिखा है, दुखाल्य। ये संसार का क्या नाम है, सब बताओ मैन्युफैक्चर की बात को मानते हो आप लोग, नहीं मानते। लेट्स से कि नोकिया कंपनी एक मॉडल रिलीज करती है 5555 और मॉडल रिलीज करने के 5 दिन बाद वो अनाउंस करती है सॉरी इस मॉडल में प्रॉब्लम है विच कैनॉट बी रिपेयर। जिन्होंने ले लिया वो वापस कर सकते हैं शॉप पे, आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न कर दी जाएगी, जिन्होंने नहीं लिया वो ना ले। हम में से कितने बुद्धिमान लोगों के पास वो होगा तो वापस करने नहीं जाएंगे, सब वापस करने जाएंगे, कोई हमें से प्रूव करेगा नहीं, कंपनी हमें कहती है मेरा 5555 मॉडल जो है ये खराब है, वी विल प्रूव इट कि ये खराब नहीं, बेस्ट मॉडल ऑफ द कंपनी है। कोई कर पाएगा ऐसा, कोई कर पाएगा ऐसा, कारण हाँ बनाने वाला ये बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है, मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, डिफेक्ट है, ठीक ही नहीं हो सकता ये। तो वैसे ही जो मैन्युफैक्चरर है इस मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर की पूरी क्रिएशन के जो मैन्युफैक्चरर हैं विच इज कॉल्ड गॉड, ही इज सेइंग दुख आलम। ये तो क्या है, दुख का घर है, सो हु कैन प्रूव कि यहां पे सुख मिलता है। वी आर इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, घड़ी आपके घर पे ऑफिस में ढूंढोगे मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिल सकती है कि अगर आपकी वाइफ घर से फोटो खींच के भेज दे हाँ जी देख लो आपकी घड़ी घर पे है, सेटिस्फाइड फिर आप हो गए एटलीस्ट इट इज देयर, पर ऑफिस में नहीं मिल सकती। सो वैसे ही आप क्या कर रहे हैं, हम लोग इस संसार में घर है दुखों का, कह रहे जी सुख कहां मिलेगा, पैसे में, धन में, पोजिशन में, नेम में, फेम में, अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप में, किस में मिलेगा, क्योंकि ये सब चीजें तो इसके अंदर ही, दुख के घर के अंदर जितनी चीजें हैं वो क्या देंगी, अल्टीमेटली दुख ही देंगी। हो सकता है पर भगवान कोई कहेगी कि कभी कभी तो मुझे मिलता है सुख, मुझे लगता है कि मुझे खुशी हुई, तो भगवान कहते हैं मैं जानता हूं क्यों मिलता है, क्योंकि उसका आगे भी मैं कुछ बोल रहा हूं, अशाश्वतम, टेम्परेरी हैप्पीनेस है, चाहे वो धन से हो चाहे वो तन से हो। अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप है, लेट्स से
आपका आपका बेटा आपको बहुत प्रेम करता है, सच में बहुत प्रेम करता है, क्या एक दिन उसको आपके कारण दुखी होना पड़ेगा या नहीं? कोई बता सकता है एक बार? या तो आप बिगड़ जाओ या फिर पूरा शरीर का सिस्टम ही बिगड़ जाए। मतलब एक ना एक दिन तो आप उसके दुख का कारण बनोगे ही बनोगे, हो ही नहीं सकता कि आप उसके दुख का कारण ना बनो। अगर वो आपसे प्रेम करता नहीं करता तो जैसा डिफरेंटली, फिर वो जिस चीज से प्रेम करता है वो दुख का कारण बनेगी। जो चीज हमारे को सुख देती है एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए थोड़ा बहुत सुख दे देती है, पर अल्टीमेट सुख नहीं देती, अल्टीमेट सुख नहीं देती। एक बार ये बहुत पुरानी बात बता दूं मैं, अभी मैं भक्तों के समाज में जस्ट जुड़ने ही वाला था, सोच लो कि मैं मेरा इंक्लिनेशन हो चुका था कि मैं भक्तों से मिलूं ऐसा करूं, पर उस समय 56 केबीपीएस का इंटरनेट कनेक्शन होता था और उसमें याहू मैसेंजर आया करता था, याद है किसी को? याहू मैसेंजर आजकल कोई यूज करता है याहू मैसेंजर? याहू मैसेंजर होता था, और साथ साथ में उसी समय पे एक और चीज शुरू की थी उन्होंने याहू मैसेंजर के बाद, याहू आंसर्स। देखा किसी ने याहू आंसर्स? तो उस फॉर्म थी, एक फॉर्म पे किसी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? सो हर व्यक्ति ने अलग अलग आंसर दिए बट नथिंग वाज सेटिस्फैक्टरी। सो मैंने जस्ट भक्तों के साथ जुड़ने का इंक्लिनेशन हुआ था, कुछ पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने एक लाइन लिखी, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी इटर्नली, हैप्पी इटर्नली। अगर आपके पास हैप्पीनेस है विच इज टेम्परेरी, दैट इज एक्चुअली नॉट हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस का नेचर क्या है? सेटिस्फेक्शन और पीस, याद है ना? और सेटिस्फेक्शन एक बार सेटिस्फाई हो गए तो फिर डिससेटिस्फाई नहीं हो सकते, एक बार प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हो गया तो। वंस द वाटर पॉट इज सैचुरेटेड विद वाटर, ऐसा नहीं होगा कि वो खाली हो जाएगा अपने आप। सो जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है वो एक्चुअली हैप्पीनेस है, वो ग्लिप्स ऑफ हैप्पीनेस है कि शायद ऐसा कुछ हो, शायद ऐसा कुछ हो, और या फिर वो क्या है, फॉर द टाइम बीइंग इट इज रिडक्शन इन द पेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी उंगली पे आप देखो, सब लोग सोचेंगे इस उंगली को हमें सुख देना है, कैसे सुख दे सकते हैं? यू वॉन्ट टू मेक योर फिंगर हैप्पी, उससे फिंगर को मिलेगा सुख या आपको? माइंडल से फिंगर को हैप्पी करने की बात करो, हाउ कैन यू मेक योर फिंगर हैप्पी? मुश्किल लग रहा है? ओके, हाउ कैन यू गिव पेन टू योर फिंगर? पिंच की बात हो जाए तो फटाफट बोल दिया, और आग में डाल दे और पर फिंगर पे पेन तो फिंगर पे होगा ना, और क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट में हथौड़ा, तुम व्हाट एल्स? बाइट इट, और खुद नहीं कर सकते तो जिस बच्चे के अभी भी दांत निकले उसको मैं डाल दूं। अब खुद सोचो, ये आपकी फिंगर है, जब आपसे पूछा गया आप इसको सुखी कैसे कर सकते हो, देयर वाज नो आंसर, यू कैन नॉट थिंक। और जब आपसे पूछा गया इसको दुख कैसे दे सकते हो, लॉट मैनी वेज आर, कुछ भी कर सकते हो आप, दरवाजे की साइड में डाल दो, पंखे चलते पंखे में लगा दो, कुछ भी कर सकते हो। सो ये संसार जो भगवान ने बनाया है ना, ये पता किसके लिए बनाया है? ये सिर्फ और सिर्फ दुख के लिए बनाया, ये शरीर दुख के लिए बनाया, शरीर को सुख नहीं दे सकते। बोले कि जब हम अपनी फिंगर पे मसाज करते हैं, अभी आप करके देखो सुख नहीं मिलेगा, पर जब इस फिंगर में पेन होगा ना फिर आप मसाज करेंगे बड़ा सुख मिलेगा। मीन्स जब पेन कम होता है ना हमारे को वो सुख लगता है, हम सोचते यही सुख है। वी डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, जहां पे जिस प्रोपोर्शन में पेन कम होता है वी थिंक दैट दिस इज हैप्पीनेस। सही बोल रहे हैं गलत? आज तक ऐसा ही एक्सपीरियंस है, वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ रियल हैप्पीनेस, प्योर
प्योर हैप्पीनेस जिसके अंदर पेन का कोई लेना देने नहीं था. वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सो बिकॉज दिस इज कॉल्ड दुखाल्यम अशाश्वतम. बोलिए दुखाल्यम. पूरे बैर दिशा बोलिए दुखाल्यम अशाश्वतम. दुखाल्यम अशाश्वतम. सो दिस इज द नेचर ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड. दुखाल्यम मीन्स द हाउस ऑफ मिजरीज एंड अशाश्वतम टेम्परेरी. अगर कुछ सुख आया भी तो टेम्परेरी. ठीक है. देखिए ये आज की स्थिति है. ये वी हैव ड्रॉ इट आउट फ्रॉम अ पोएम व्हिच वाज रिटन बाय अ 12 ईयर गर्ल. तो ये क्या है. वी हैव कॉन्कर्ड आउटर स्पेस बट नॉट ट्रू और फॉल्स. वी हैव क्लीन्ड अप द एयर बट पॉल्यूटेड द घर के अंदर. सब लोग लगा लेते हैं ना आजकल. आपको बताएं ये क्या ये इसको बोलते हैं corporatization of everything. पहले पानी की प्रॉब्लम थी. पहले पानी कभी भी फिल्टर नहीं लगता था. कोई फिल्टर लगाता था घर में. टैप का पानी पीने का होता था. फिर धीरे बीच बीच में कहीं कहीं पानी की प्रॉब्लम आने लगी. फिर RO और फिर एक्वा प्रेशर तरह तरह के फिर ये फिल्टर्स आने लगे. तो पहले तो लोगों ने बहुत शोर मचाया कि पानी साफ नहीं आ रहा पानी नहीं आ रहा. फिर जब ये लगा लिए लोगों लगा ये प्रॉब्लम ही नहीं है. जिस चीज की नेसेसिटी नहीं थी वो आ गई. वैसे पहले लोगों ने आवाज उठाई कि ये हवा खराब है पॉल्यूशन हो रहा है. तब घर में लगा लिया एयर प्योरीफायर. अब बोलते हैं गंदी है तो गंदी रहे हमें क्या फर्क पड़ रहा है घर में. ये इस प्रकार से जो है आज की कलयुग की इकोनॉमी इस प्रकार से बिल्ड होती है. खैर वी हैव क्लीन्ड अप द एयर बट पॉल्यूटेड द सोल. वी हैव स्प्लिट द एटम बट नॉट अवर. वी हैव हायर इनकम्स बट लोअर मॉड. पैसा कमा रहे हैं लोग, बात करने की तमीज नहीं है दूसरों के साथ. और धन मदान धन सिर पे इस प्रकार से चढ़ता है कि उनको ये भी नहीं मालूम है कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो भी एक मनुष्य ही उसी की तरह. उसकी भी स्किन उतनी है जितनी इसकी है. उसके अंदर भी खून ही है. वो भी बोलता है चलता है खाता है. और जैसे तुम मरोगे वो भी मरेगा. दोनों सेम. बट धन मदान इंटॉक्सिफाइड विद द सक्सेस एंड मनी. We have trouble crossing the street to meet the new neighbor. We have added years to life, not life to years. सही बात है ये. जिंदगी कितनी निराशाजनक सी लगती है. लोग दुखी से रहते हैं. सुख के पल कम आते हैं, खुशी के पल कम होते हैं, दुख के पल भरे रहते हैं इस इंतजार में कि हम होंगे कामयाब. और उसके बाद पहले जमाना था एक कि पड़ोसी के घर पे क्या पूरा मोहल्ले. हम आज भी कुछ विलेजेस में आप जाएंगे वहां पे घरों के नंबर नहीं होते. नाम बता रहा था किसके घर का लेटर आया. सही बता रहे गलत. और यहाँ पर नंबर भी कोई तभी बता पाता अगर उसी की बिल्डिंग का होता है. उसमें भी नहीं बता पाते. पड़ोसी के घर में क्या हुआ ये भी नहीं पता होता लोग. क्या क्या लाइफ है. ये पोयम एक 12 साल की बच्ची ने लिखा है. सोचो व्हाट शी मस्ट हैव गॉन थ्रू. कोई पढ़ सकता है हमारे लिए इसको लाउडली इन अ पोएटिक वे. कोई पढ़ सकता है हमारे लिए. यस. सोचो क्या देखा होगा इस बारे में. नहीं नहीं पहले एक ही घर में एक व्यक्ति काम करता था 6 खाते थे. और अभी क्या है 5 लोग काम करते हैं और 2 घर में बच्चे खाने वाले होते हैं तो भी टूट रहे हैं घर. घर डाइवोर्स हो रहे हैं, झगड़े हैं, कोई सुख शांति नहीं. एक्चुअली हमने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया. कोई सोचे कि हमने अपने इंटेलिजेंस यूज करके वी हैव बिकम मॉडर्न. जस्ट गो बैक इन 19
1900, तो आपको क्या मिलेगा उसमें कि लोग चांदी के बर्तनों में खाते थे। हम में से भी कई लोगों के घर में पुराने चांदी के बर्तन बचे होंगे अभी, और वो हम सबको दिखाते होंगे हमारी दादी के हैं ये। मतलब हम किस में खाते हैं, बाहर जाते हैं तो थर्माकोल में खाते हैं या कांच में। सो आप क्या कहते हैं इसको, एडवांसमेंट? इज इट एडवांसमेंट? एक्चुअली ये हालात है। हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारे ब्रेन्स के अंदर इस बात को ड्रिल किया जा रहा है कि दिस इज एडवांसमेंट, दिस इज एडवांसमेंट, दिस इज एडवांसमेंट। जबरदस्ती ठूस ठूस के डाला जा रहा है, नाउ यू आर एडवांसिंग, यू आर एडवांसिंग। क्या एडवांसमेंट है? पहले लोग जीते थे ज्यादा, वास्तव में पहले ज्यादा जीते थे क्योंकि हवा अच्छी थी, पानी अच्छा था, खाना अच्छा था। अब तीनों चीजें बर्बाद। दिस इज कॉल्ड एडवांसमेंट। बाहर निकलने में अभी पीछे कुछ दिन पहले अपने बच्चों को कोई बाहर नहीं निकलने दे रहा था गुड़गांव, एंड वी आर कॉलिंग इट एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। वास्तव में देखा है तो जानवर ज्यादा अच्छे, कम से कम गंदगी तो नहीं फैलाते। जो हम हाल करके रखे हैं सृष्टि का, जानवरों ने नहीं किया। जानवरों को जैसा दिया गया वो उसको और अच्छा करते हैं। जानवर जब मल भी त्यागते हैं तो वो खाद बन जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम गुलाब जामुन भी खाते हैं तो वो मल बन जाता है। समुद्र के अंदर कभी जूह बीच पे जाके देखिए, गंदा कर दिया था। We have destroyed the entire aqualife of many oceans. पहले गंदा करो फिर साफ करो, कर तो वही रहे ना, गंदगी तो हमने फैलाई है ना। आज हवा हमने गंदी कर दी, लगाओ फिर सारे पूरे पूरे गुड़गांव में एयर फिल्टर्स। पॉइंट इज वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स एडवांसमेंट। हम कहीं नीचे खाइयों में गिर रहे हैं, जानवरों से भी बुरी हालत है। आपकी बात सही है। आई थिंक the more we call ourselves religious or spiritual, the more we are going into deep down valley of misery in India. I have seen recent, jaise aapne bataya ki Gurgaon jaisi pollution kahin aur nahi dikhti, but main jab ab agar main west ko dekhta hu, and I have traveled jaise west mein kafi, so they are very much non religious or non spiritual, I'll say, but they, when those people who are, they are very much devotees also and dedicated as well. But somehow they have maintained their social life and somehow they have maintained their environment. Hmm. Not the way what we should have done. We should have been the example to them. हमारे वेदास में लिखा हर चीज 5000 साल पुरानी लिखी हुई है हर चीज के, कैसे maintain करनी, कैसे social life maintain करनी। yes. हमारे गुरु नानक ने भी आके बोला कि नानक दुखिया सब संसार के, अपने आप को सही तक रखो। But we are the 8 most polluted city top 10 में इंडिया में। तो उसका आपको लगता नहीं कि उसका रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है? भाई कार जो बनी है वो कोई ऐसा तो हुआ नहीं था कि कहीं आप गए थे स्वामी ब्रह्मानंद आश्रम में और वहां पे कारें इन्वेंट हुई थी, फैक्ट्रियां वहां नहीं लगी थी। ये हमने क्या किया है, आप देखेंगे कि जो चीजें वेस्ट में वो डिस्कार्ड कर देते हैं, हम सोचते रहे हमारे काम आएंगी, इसको कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। गन्ने का कभी गन्ना देखा है आपने? गन्ना खाया हो कभी? तो उसको जब चबाते हैं बिल्कुल चूसने के बाद उसको हम फेंक देते हैं क्योंकि उसमें से रस निकल गया। तो कोई अगर उसको उठा के चबाने लगे तो कुछ मिलेगा? डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। वी आर डूइंग द सेम थिंग। कोई वेस्ट में हैप्पी नहीं है, सोशल एटमोसफेयर अच्छा बना रखा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि आप भी गए होंगे पर हमारे तो बहुत सारे लोगों से रिलेशन, हमारी पूरी सोसाइटी सब जगह फैली हुई है, कोई खुश नहीं है। खाली हवा वाली बात नहीं है फिर, क्योंकि ये समस्या तो यहां पर भी है ना। कहां गया वो पिछले हमने दिखाया था, वी हैव क्लीनड अप द एयर। ओके उनका वायु सही है पर पॉल्यूटेड तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, सेम प्रॉब्लम है। बट व्हाट वी आर डूइंग, उन्होंने रियलाइज किया कि हम गंदगी मचा रहे, नाउ दे आर वर्किंग ऑन फोन डिटॉक्सिफिकेशन। है ना, पता है ना आपको, वो लोग फोन यूज नहीं करते हैं, मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे, जिससे कि अपने आप को डिटॉक्सिफाई करें रेडिएशन वगैरह। और हम लोग वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर एडिक्टेड टू इट। तो जो चीज वो फेंक रहे हैं हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, आई थिंक थेम्स रिवर आपको पता होगा लंदन में है। सो थेम्स वर यूज्ड टू बी मोर पोल्यूटेड देन दैट ऑफ यमुना जो आज का लेवल है, बट
what I have seen is you might be right. Job नहीं जी सारी examples बताई हैं. More incomes and less divorces. More divorces and everything is there. But what I have seen is कि we don't accept our mistakes and we keep on living under the umbrella of religion that we are very religious. No, it's not that. Whereas they accept their mistakes and then they make sure the things are never. Try to understand. They accept Absolutely, what you said? Social. It's a social responsibility, and but at the same time, religion is not spoiling Yamuna. आप try to understand religion का कहाँ लेना देना है Yamuna पर? नहीं मैं religion का नहीं दोष देता. मैं कह रहा हूँ हमें तो example होना चाहिए था. Yes, we should be. But वो क्या रहा है? आप देखो कि gymnastic, आपने देखा gymnastic में कभी भारत को बहुत आगे होते हुए? क्यों नहीं होता? क्योंकि भारत इन कामों के लिए बना ही नहीं है. भारत के लोग बने हैं जन्म सार्थक करी कर परोपकार. पीपल ऑफ इंडिया आर मेंट टू बिकम स्पिरिचुअली एडवांस, नॉट लाइक एनिमल्स जंप हियर एंड देयर. तो खाते हैं जानवर खाएंगे, जानवरों की तरह काम करते हैं. बट व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने पद से भ्रमित हो गए हैं. हमारे को जिस डायरेक्शन में काम करना चाहिए था अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, तो गॉड हैज गिवन अस दिस लाइफ टू seek for spiritual advancement. Guruji, एक और बात बताइए, जो आप कह रहे हो कि it is a temporary, I understand it somehow. But temporary. तो फिर ये world is temporary world and everything has जो भी पैदा हो रही है. So first let me clear the point कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसको डिस्कार्ड किया जा रहा है, जिसको वो समझ रहे हैं ये गलत है, पहले उन्होंने पॉलिट किया, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि भैया साफ करना चाहिए. हमने सोच लिया कि भैया पैसा क्यों खराब करें, एक और क्यों हम क्या नाम है रिवर बेड क्रिएट करें, एक और क्यों हम नहर क्रिएट करें, एक नाला क्यों क्रिएट करें, सारा पानी डालो, ये लाइन जा ही रही है समुद्र की तरफ, जाने दो. हम लोगों ने उसके ऊपर काम ही नहीं करना क्योंकि हम उनसे पहले देखा, पहले तो वो वही कर रहे थे ना, गंदगी कर रहे थे, अब हम भी वही करेंगे. और क्योंकि जो हमारे नेचर में नहीं है हम उसको कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं. व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग देयर मशीनरी, यू आर इम्पोर्टिंग देयर टेक्नोलॉजी, How can you expect that their culture won't come here? भारत में पहले डाइवोर्स नहीं होते थे, अब डाइवोर्स होते हैं. हाँ, अब कॉमन है. अब कॉमन है बिकॉज इट हैज बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड. पर हमारी क्वालिटी क्या है कि जब अच्छी चीजें इंपोर्ट करने की बात आती है तो हम पता क्या कहते हैं, इसमें तो हम ज्यादा आगे बढ़े चढ़े, हमने शास्त्र पढ़े हैं, भले ही पढ़े ना. आज भारत के अंदर दो प्रजातियां सब जगह है. Everyone is doctor and everyone knows about Krishna. सही बोल रहे हैं गलत? आप जिससे भी बोलो कुछ होगा तो कोई भी बता देगा, अरे तू ये कर ले ठीक हो जाएगा. तो ये ऐसा होता है ना. और जब आप किसी से बोलेंगे कि भगवत गीता रे, आई नो अबाउट कृष्णा, मेरे पिताजी भी कृष्णा कृष्णा किया करते थे. सो द पॉइंट इज, अब हमारे को एटलीस्ट पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है, पूरा भारत क्या कर रहा है, हम उसको छोड़ करके चैरिटी बिगिंस एट होम. लेट्स स्टार्ट विद आवरसेल्फ. हम अपने आप को इम्प्रूव करें. वंस यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ, यू विल बिकम एन एग्जांपल. मेरा एक और क्वेश्चन था, मैं आई थिंक आई एम स्टक टू द प्रीवियस क्वेश्चन का था. तो हम अब क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को कार पार्किंग में डाल दीजिए. तो हम आपका एक क्वेश्चन लेंगे क्योंकि वी हैव वेरी लिटिल टाइम. So we will take your question at the end of the session today. तो देखें, अब ये है हमारी प्रॉब्लम, पेन्स है, ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इस संसार के अंदर. अध्यात्मिक का मतलब है जो आपकी खुद की बॉडी से कई प्रॉब्लम्स होती है, या मेंटल प्रॉब्लम आपकी खुद के मन से जनरेटेड है. डिप्रेशन हो गया, इसमें कोई और कारण कारक नहीं होता उसमें. डिप्रेशन आपको आपकी वजह से होता है, सही बोले गलत? या जैसे चिकन पॉक्स का इंफेक्शन जरूरी नहीं है दूसरी जगह से है, ये आपकी बॉडी की हीट होती है जो चिकन पॉक्स में कन्वर्ट होती है. सो दीज आर द आध्यात्मिक पेन. आदि भौतिक, ये याद रखना है आपको, पूछेंगे अगली बार आपसे, ये कल पूछेंगे आपसे गिरदार. आदि भौतिक जो दूसरे क्रिएचर्स हमारे को देते हैं, जैसे डेंगू, दूसरे क्रिएचर्स दे रहे हैं, या फिर हमारे पड़ोसियों ने दे दिया,
हमारी पार्किंग वाली जगह पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी ठीक है, पर आज दैविक सुपरनैचुरल डिस्टरबेंस, पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही, जैसे गुजरात में भूकंप आ गया, भोपाल में भूकंप आया था, दीज आर सुपरनैचुरल। ये तो रिलेटिव प्रॉब्लम है, ये किसी की जीवन में कोई ज्यादा कोई कम हो सकती है, दीज आर द रिलेटिव प्रॉब्लम एंड देयर आर थ्री एब्सोल्यूट प्रॉब्लम्स। अच्छा एब्सोल्यूट यहां पे डिस्कस नहीं, these are the absolute problems. One that is common to all, no one want it and no one can avoid it. बता सकता क्या है? Nature calamities. One is common to all, body and mental, जो आपकी body है, no one wants it like. One that is common to all is birth. सब जन्म के टाइम पे दो लोगों को वो सबसे ज्यादा पेन होता है, बाकी लोग भी डिस्टर्बेंस में होते हैं, पर दो लोग सबसे ज्यादा पेन होते हैं, कौन कौन? माँ और बच्चा। तो मतलब जन्म पे ही पेन शुरू हो गया, दिस इज अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, क्योंकि सीधा सीधा जन्म हो जाता कोई बिना कष्ट के नहीं होता, इट इज एक्सट्रीमली पेनफुल। इट इज सैड कि जब भी कोई स्त्री बच्चों को जन्म देती है तो वो सोचती है दिस इज द लास्ट वन, सही बोल रहे गलत? फिर वो बात अलग है कि फिर थोड़े टाइम के बाद वो सब भूल जाते हैं, फिर हम तैयारी करते हैं दूसरे की। नो वन वांट्स इट, पता क्या है? बुढ़ापा और बीमारी। एक बार हम दिल्ली में, हमारा एक मंदिर है दादा पास राथी मंदिर, कभी आप लोग गेस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन का मंदिर देखे हो तो उधर फाउंटेन के पास एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, और बहुत धीरे धीरे बिल्कुल फाउंटेन को पकड़ करके धीरे धीरे उतर रहे थे। तो मैं उनका हाथ पकड़ के ले गया बाहर छोड़ने के लिए कि उनको बाहर जाना शुरू आ गई। मैं उनको बोला व्हील चेयर दिया, बोले नहीं नहीं मैं हैबिट बनाए रखना चाहता हूँ चलने की। तो फिर मैं उनका हाथ पकड़ के बाहर तक ले गया। तो मैंने उनको जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कि हाउ डू यू फील बीइंग इन दिस एज। तो बोले बेटा ये बुढ़ापा है ना, चलती फिरती बीमारी, शरीर में बीमारियां पड़ जाती, तो कोई भी नहीं चाहता बुढ़ापा, लोग छुपाते हैं अपने बुढ़ापे को, पॉलिश वो सब करा करा के जो भी करा रहे वो छुपाते हैं, बालों के ऊपर रंग करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता उनको बुढ़ापा, वो नहीं चाहते कि हम बूढ़े दिखें। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, ना दिखना चाहता है ना बुढ़ापे की पेन चाहता है, और साथ में बीमारियां कोई चाहता बीमारी? And no one can avoid it. Kya hai wo? Death. These are the four absolute problems. Three relatives hain aur four absolute problem. To bata ye sari problem hote hue how can you be happy with all this paraphernalia of so called happiness? Chalo अब देखो ये जो संसार है इसमें जबकि इतनी प्रॉब्लम है फिर भी फंसता कहाँ व्यक्ति जाकर के? ट्रैप, बोलते ट्रैप ऑफ इल्यूजन, कि लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से सोचते हैं कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करेंगे, कंफर्ट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। पर होता क्या है, ये ना इसमें क्या है, ये फायर मॉन है, पतंगा बोलते ना पतंगा, ये क्या करता है जब आग जल रही होती है उसका दिल आ जाता है आपके ऊपर और उसको होता है हाय कितनी सुंदर दिख रही है, देखो ऐसे 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 इसकी लपटें निकल रही है, ऐसी कमर हिल रही है इसकी, तो उसका बड़ा मन आता है कि चलो हम इसमें जाएंगे, जाता है वो बड़े अट्रैक्शन में, दिस इज द लव स्टोरी ऑफ फायर मॉथ एंड फायर। तो फायर के पास जाता आउट ऑफ लव कि मैं इसको प्राप्त कर लूंगा, मिलता क्या उसको? मृत्यु, जल के मर जाता है। ये इसकी क्या हालत होती है, मछली, मछली कैसे पकड़ी जाती है? डालते अंदर कांटा होता है,
चाहे पर कुछ उसकी कुछ भी चीज लगाई जाती है जिससे वो अट्रैक्ट हो गया है, खाने की चीज, चाहे तो कीड़े भी लगाए जाते हैं कई बार, वो लगाते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अर्थ बॉम्ब को यूज करते हैं उसके लिए, और अलग अलग प्रकार के जो है चीजें यूज करते हैं कुछ खाने की, जिससे कि वो अट्रैक्ट होके आए। मछली आती है और मछली को दिख रहा होता है कि यहाँ पे कांटा है, इसलिए जब मछली आके खाने में लगती है तो पता लग जाता है फिशरमैन को, वो ही डजंट पुल इट आउट, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अभी मछली फंसेगी नहीं, इतनी तो इंटेलिजेंट है, उसको पता है यहाँ पे कांटा है, और जब खाने लगती है वो खाते खाते फिर उसको टेस्ट आता है, जबकि उसको दिख रहा है कांटा है, साइडों से खाना था, पहले वो साइड से शुरू करती है, पर धीरे 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 क्या करती है कि उसको टेस्ट आता है, उसको छोड़ना नहीं चाहती, और जब छोड़ना नहीं चाहती तो वो सोचती है कि मैं क्या करूँगी, खा के ना एकदम से मुँह खोल लूँगी, कांटा फंसेगा नहीं, पर ऊपर फिशरमैन थोड़ा कम बेवकूफ़ बैठा है, वो जैसी फील करता है कि यस अब वो कांटे को पकड़ चुकी है, पुल सिट आउट, अब कुछ नहीं कर सकते। सो जहाँ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए व्यक्ति घुसने का प्रयास करता है, सिमिलरली हाथी इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कि आदमी इसको पकड़ नहीं सकता है, किसी में सामर्थ्य है हाथी को पकड़ने की, और हाथी को कंट्रोल करना तो बहुत ही बड़ी बात होगी। हाउ डू दे कंट्रोल एलिफेंट, पता है किसी को? यस बताइए। वो एलिफेंट बेबीज को टॉर्चर किया जाता है एंड बिकॉज़ दे हैव वेरी गुड मेमोरीज, तो वो बड़े होते हैं तो भी उन्हें वो पेन याद रहता है, तो वो रेजिस्ट नहीं करते बड़े होने पर भी। और जंगल से कई हाथी पकड़ के लोग जो उसको ट्रेन करते हैं, कैसे करते हैं, इतना टाइम कौन इंतजार करेगा बेबी को अपने पास टॉर्चर कर करके? आपको मालूम है ट्रेडिशनल तरीका हाथी को पकड़ने का? यस, फीमेल एलिफेंट क्या करते हैं कि पहले एक ट्रेन करा, जैसे आपने बोल दिया बेबी एलिफेंट, जैसे भी फीमेल एलिफेंट को एक ट्रेन किया उन्होंने, और जिस रूट से वो देखते हैं कि ये एलिफेंट इधर से आना जाना है इसने, तो उस जिस रूट से फीमेल एलिफेंट को आना जाना है, या फिर उन्होंने एक फीमेल एलिफेंट ट्रेन करके रखा, वो जहाँ से जा रहे हैं उसी रूट पे क्या करेंगे, वो एलिफेंट ट्रेंड फीमेल एलिफेंट वो साइड से निकलेगी और शाम हाथी उसके पीछे भागता भागता सीधे सीधे जाएगा कि उसके पास जाने के लिए। बट होता क्या है कि जो देखने में जमीन दिख रही होती है वहाँ पे सूखे पत्ते डले होते हैं और पानी होता है और बहुत बड़ा गड्ढा, हाथी उसमें गिर जाता है। हाथी जब गिर जाता है तो उसके बाद उसको काफ़ी समय तक खाने को नहीं देते कुछ भी, वो त्रस्त हो जाता है, अंदर वैसे भी पेन में है, ऊपर से आउट ऑफ हंगर वो बहुत दुखी होता है। फिर महावत जो होता है वो आता है, उसको पहले कुछ खाने के लिए देता है, खाने के लिए देता है और फिर उसके बाद उसको निकालने की व्यवस्था करता है और उसके सामने रहता है। तो हाथी क्या सोचता है, ही इज माय सेवियर, इसके ये अगर नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, ये मुझे बचा सकता है, क्योंकि उसके माइंड में ये बात रजिस्टर हो जाती है कि इसने मुझे बचाया। देख रहे हो हुआ क्या, एक जो इंडिपेंडेंट जानवर था उसको ट्रेंड कर दिया, कैसे, फंसा करके, उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन जिस चीज में उसका अट्रैक्शन था मान लेगा। और वैसे ही भवरा पूल के अंदर जाता है, उसको मालूम है सनसेट होने वाला है, ये जो जानवर है इनको सब पता भी है, बिकॉज दे एक्ट अकॉर्डिंग। पर जिस समय वो पहले से चला गया, सनशाइन के होते होते अंदर चला गया और वो रस लेने में इतना डूब जाता है, भूल जाता है कि ये कमर बंद भी होता है और फिर अंदर बाहर और खत्म। तो इस प्रकार से ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये संसार में हम जो अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने को सुख समझते हैं, एक्चुअली यही हमारे दुख का कारण बन जाती है, जिस चीज से हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और आज क्योंकि सोसाइटी इतनी डिग्रेडेड हो चुकी है, प्रॉपर कल्चर नहीं रहा है, लोगों की मेमोरी वीक हो गई है बिकॉज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, लोगों का लाइफ स्पैन अच्छा नहीं रहा है, और जितना जीते भी हैं तो वो उतना हेल्दी लाइफ नहीं जीते हैं, वैसा उत्साह वैसी उमंग शरीर में नहीं रहती है लोग, बिकॉज दे आर सो मच इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो कहां से हैप्पीनेस मिलेगी, दे थिंक दिस इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, this particular sense gratification is a source of happiness but it is not, wo ulta usko aur pareshani mein dal diya। So humne aaj ye samajh liya hai ki jin jin cheezon se hum happiness samajh lete hain wahan se happiness nahi milti hai,
जनरली जो जनरली समझा जाता है ऑफ कोर्स एज यू सेड गॉड बट हाउ गॉड कैसे हम गॉड को इन्वॉल्व करें कैसे गॉड का तो एक बहुत ही जेनेरिक बात हो गई हाउ टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ बट व्हाट इज द स्पिरिचुअल लाइफ समवन सेड हियर कि आई वांट टू लर्न व्हाट इज द स्पिरिचुअल सो वी सेड स्पिरिचुअल बट व्हाट इज स्पिरिचुअल मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इनटू रिचुअल्स नॉट स्पिरिचुअल कि भैया ये मेरे दादाजी करते थे वो भी करते थे वो भी करते थे इसलिए मैं भी करता हूँ क्यों करते हो भाई तो ऐसे करते भारत के अंदर टर्म्स आप देखोगे वी फॉलो हिंदू माइथोलॉजी यू आर फूल नंबर वन बिकॉज यू योर सेल्फ इज सेइंग दैट इट इज माइथोलॉजी व्हाट इज मिथ मन ऑफ द मिथ मेंटल स्पेकुलेशन माइथोलॉजी मीन्स मेंटल स्पेकुलेशन And you yourself is saying that it is mental speculation and you are trying to follow it. But aisa koi bewakoof hoga samjhan mein. So, finally, actually, till now, jo general sansar mein hai ki in cheezon se hame sukh milta hai. First of all, we are in search of happiness. Hum kuch bhi kar rahe hain for satisfaction, peace and happiness. True or false? Jo bhi hum kar rahe hain for peace, satisfaction and happiness. It means we are in search of happiness. But अभी तक हमने जिन चीजों से भी try किया था कि इनसे खुशी मिल सकती है, they are not the source of happiness. वो हमारे वो glamour हो सकता है, वो हमारे को किसी से attractive लग सकता है, but that is not the source of happiness. So हमने जो discuss किया, we all have a same goal. That is happiness. Yes. Next. Without inquiring about the higher truth, we are just sophisticated animals. Dharma means inquiring about the higher truth. This is called dharma. Dharma का मतलब नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ. ये कोई धर्म नहीं है. ये सब रबर स्टैंपिंग है. बच्चा जो पैदा होता है, उसके शरीर पे वैसे ही सिर पे बाल दाढ़ी उठती है, वैसा ही उसका खून होता है, वैसे ही उसकी आंखें होती हैं. उसको जो सी लैंग्वेज सिखाओ के सीख जाएगा. सही बोल रहे हैं गलत जोन से लैंग्वेज सिखाओगे सीख जाएगा जिसको बताओगे भगवान है उसको भगवान बोलने लगेगा जोन से स्क्रिप्चर उठा के दोगे उसी को परफेक्ट मान लेगा सही बोल रहे हैं गलत अगर बचपन से उसको ट्रेनिंग दी ये स्क्रिप्चर परफेक्ट है तो उसी को मान ले सो जस्ट फॉलोइंग कि मैं ये पर्टिकुलर स्टैंपिंग है मेरे ऊपर हिंदू हूं मैं मुस्लिम हूं मैं ये स्टैंपिंग इज नॉट रिलीजियस धर्म धर्म इज Inquiring about the absolute. ठीक है ना हम अपने धर्म का मतलब क्या है कि जो which is my natural tendency. जैसे आग आग का धर्म क्या है जलाना अगर बोले जी वहां पे आग जल रही थी मैंने उसके अंदर इतने कागज डाले कोई भी नहीं जला हो सकता है सो वैसे ही जो नेचुरल टेंडेंसी है हमारी नेचुरल बिल्कुल इंट्रिंसिक दैट इज धर्म And we will discuss what is this intrinsic tendency, what is this intrinsic quality, and इस intrinsic quality को वापस regain करने के लिए, वापस उसी position पे आने के लिए, we need to inquire about the higher truth, which will be discussed in the next sessions. Yes. Clear? Happiness lies beyond matter. We have already discussed all of it. By making things better, we cannot make this world a better place. बड़ी बड़ी बिल्डिंग बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े सुंदर गार्डन विल नॉट मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस unless and until we are happy. More time is spent in than the pleasure itself. But next? Relative problems पढ़ेंगे भाई कोई व्यक्ति एक loudly पढ़ सकता है आध्यात्मिक bodily और mental pains आदि भौतिक pains those offered by living creatures and adhyatmic pains those due to supernatural disturbances absolute birth old age disease
याद रहेगा ही सबको. डू यू हैव दैट फोटोग्राफिक मेमोरी? तो खींच लो फोटो अपने माइंड में. ये आपसे कल पूछा जाएगा. Senses are the hook to keep us in miserable world. जैसे अभी हमने देखा वो पतंगा वो हाथी, वैसे हमारी भी हालत होती है. उनके पास तो बेचारों के पास एक एक दो दो सेंस ग्रेटिफिकेशन का स्कोप है, हमारे पास तो मल्टी स्कोप है, मल्टीपल स्कोप है. हम कई कई जगह फंसते हैं, वो बेचारे एक एक दो दो जगह फंसते हैं, और हम लोग ट्रू और फॉल्स. अब बताइए मेरा क्वेश्चन था कि जैसे दैट टेम्परेरी वर्ल्ड के बारे में, सो तो फिर कुछ करा ही ना जाए, फिर आगे ना बढ़ा जाए, कुछ करा ही ना जाए, बच्चे ना पैदा. सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं. यू नो लर्निंग का तरीका क्या है, समटाइम वी आस्क क्वेश्चन बिकॉज वी हैव सम क्वेश्चन इन आवर माइंड, बट समटाइम सम अदर पर्सन आस्क अ क्वेश्चन एंड देन वी रियलाइज कि हाँ ये तो मेरा भी क्वेश्चन था. तो इसलिए सुनना चाहिए. सब लोग ध्यान से सुनने को तैयार है? यस. आप क्या बता रहे हैं कि अगर ये सब है ही बेकार तो फिर कुछ किया ही ना जाए, यही प्रश्न आपका? हाँ, बच्चे भी पैदा किए जाए जो अभी ना करें और राम राम करके एकदम राम राम सत्य करें. हम तो बोलेंगे राम राम करना है. अब तो ये वाली बात पे डिस्कस नहीं. तो पॉइंट इज अभी हमने 6 days का सेशन लिया. टुडे इज द फर्स्ट डे. और फर्स्ट डे व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि पहले हमको क्लियर हो जाए कि वी हैव अ कॉमन गोल. हम लोग इस संसार में जो भी कुछ करना चाहते हैं, चाहे कोई सोचे मैं इंजीनियर डॉक्टर ये ब्ली ब्ली, अल्टीमेटली मैं क्या चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, अनलेस अंटिल वी अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग फंडामेंटल थिंग्स वी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स. सो नाउ वी आर इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस और हमारे को इस संसार में जीवन मिला है सुखी रहने के लिए और अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, अल्टीमेट खुशी को. ये नहीं कि बस एक बार खुश हो गए फिर दुखी फिर खुश फिर दुखी, सुख दुख सुख दुख सुख दुख के लिए नहीं मिले. सुख दुख सुख दुख करते करते हम सूख जाते हैं, है ना. वो सुख में छोटे हो की मात्रा होती है, थोड़े दिनों के बाद बड़े हो की बन जाती है. सो पर्पस क्या है कि हमारे को अल्टीमेट हैप्पीनेस मिले, बट बिफोर गेट ट्राइंग टू अटेन दैट हैप्पीनेस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट हैप्पीनेस. हम गलत जिसको मान चुके हैं, जब भी हमारे को कुछ सिखाया जाता है तो बताया जाता है ये है, ये नहीं है. दिस इज एप्पल, दिस इज नॉट अ मैंगो, दिस इज नॉट गुआवा, दिस इज नॉट ग्रेप्स, दिस इज नॉट बनाना, दिस इज एप्पल. सो सिमिलरली फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने अभी तक क्या कर रखा है कि जो हैप्पीनेस नहीं है हम उसी को हैप्पीनेस मान चुके हैं और ये हमारे माइंड में सेट हो चुका है वी विल गेट हैप्पी डिस्पाइट. मतलब इसके बाद सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी, इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट वंस अगेन, जैसे हमारे सामने कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज आएगी, विल थिंक दैट वी विल गेट हैप्पीनेस बाय इट. बिग बिग सेंस जो इस चीज को बार बार खुद बता रहे हैं वो भी अभी इससे बाहर नहीं गए, क्योंकि ये हमारे माइंड में इतनी बुरी तरह से ड्रिल हो चुकी है ना चीज कि यहीं से सुख मिलता है. सो एटलीस्ट थियोरेटिकली वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस we cannot derive happiness from all these things. So today we have discussed that the goal of goal is happiness. और जहाँ जहाँ हमने भी अपना faith डाल रखा है happiness के लिए, that is not the real source. Today we have spent time in understanding this. From tomorrow we will try to understand what should we be doing. And before you understand what we should be doing, we have to know what we, who we are. Who we are. अभी हमारी क्या अपनी कोई निजी आइडेंटिटी है क्या? आपका नाम नीरज है, कहियों का नाम नीरज है. Then say, no, no, I'm the son of Shyamlal ji. It means that is not your identity. You're using someone else's identity to introduce yourself. You are telling that I am CFO in this company. That is designation, that is not your identity. So all these things will be discussed. First you understand who you are. Then we will discuss what we should be doing, why I am here. ठीक है ना?